अच्छा जब पापा सेल करके आ गए, पापा ने बता दिया कि बकरा सेल कर रहा हूँ, आपने जब रोने वाली वीडियो देखी तो दुख हो रहा था? पापा ने आपको बता बकरा सेल किया है, अब पूरे मुल्क पाकिस्तान में लोग उसका दुख, लोग दुख कर रहे हैं, हालांकि बकरा तो आपका है, तो क्या आपको दुख हो रहा है? मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। देखते हैं सुनते कौन का मेरा सलाम। जितना नाज़रीन आपको पता है, एक दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लगाया था, वो बकरा जो कि मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, मैं कह सकता हूँ इंडिया तक उसकी धूम है, जो बेचने पर मालिक के गले लग के रो रहा है। आज हम उनके फार्म के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके अंदर फैमिली और बच्चे भी मौजूद हैं, उनकी फीलिंग जानेंगे कि एक बकरे ने किस तरह पूरे घर को मैकतों घमे मातम में बचा दिया है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी फैमिली का क्या रद्दअमल है, अभी तक उनकी फैमिली का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके बच्चों ने क्या फील किया और अब तक उनके हालात कैसे हैं, आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? दानिश भट्ट। दानिश भट्ट है। दानिश बेटा, आपको पता है आपके पापा का जो बकरा सेल किया है, माशाल्लाह वो मुल्के पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया तक, मैं कहता हूँ सऊदी अरब, कनाडा, यूके तक वो वायरल हुआ है। पापा ने 8 लाख रुपए में वो बकरा सेल किया है, तो अब पापा भी बड़ा दुख कर रहे हैं, मंडी में बकरा रो रहा है आपके पापा के इधर सर रख के। तो मुझे बताएं, आप भी बड़ी मोहब्बत करते थे बकरे से, तो मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं? दुख हो रहा है जी। पापा कुर्बानी के लिए छतरा ले आए थे, अगर वो ना लाते तो हमने बकरा नहीं सेल करना था। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जब पापा सेल करके आ गए, पापा ने बता दिया कि बकरा सेल कर रहा हूँ, आपने जब रोने वाली वीडियो देखी तो दुख हो रहा था? जी दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा। नाज़रीन देखें, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, भट्ट साहब के, भट्ट साहब भी बात करते हैं। सबसे पहले छोटे नन्हे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आहद भट्ट। बट माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। पापा ने आपको बता बकरा सेल किया है, अब पूरे मुल्क पाकिस्तान में लोग उसका दुख, लोग दुख कर रहे हैं, हालांकि बकरा तो आपका है, तो क्या आपको दुख हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। पापा ने फिर क्यों सेल किया बकरा? मां छतरा था कुर्बानी का, इसलिए सेल किया, वरना नहीं करना था। लेकिन ये देखें, एक बड़ी लॉजिकली बात बच्चों ने बताई है कि जो बकरा हमने इसलिए सेल किया है क्योंकि हमारे पास छतरा था। तो लोग अक्सर ये कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने बकरा आखिर सेल क्यों किया, तो व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं, बच्चों से बात कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम दिया है, बड़ी नवाजिश। बट साहब लोगों का बड़ा कॉमन सवाल है कि आखिर इतना ही मोहब्बत थी, ठीक है, लोग कह रहे हैं जी पैसे कमाने के लिए इन्होंने बकरा सेल कर दिया और बाद में रोना शुरू कर दिया। सर बताएं ये इस बात में कितनी नज़ाकत? भाई पैसों वाली बात ही नहीं है, ये तो मोहब्बत ने रुलाया है। तो रही बात बकरा, जब मैंने दिया तब मुझे पता चला कि बकरा मेरी बातें समझ रहा है, मैं फ़ौरन वापस भी ले सकता था। भाई साहब ऐसे बनते थे, अगर मैं कहता ना, उन्हें जो उधर माहौल बन गया था ना, गमगीन माहौल हो गया था मौके पे, उन्हें मुझे साइड पे बिठा के पानी पिलाया, परेशान में हो गया, सारा कुछ सीन उनके सामने था। अगर मैं जब 5 मिनट बाद में उन्हें कहता ना कि ऐसा बकरा मैंने नहीं सेल करना, मैंने घर लेके जाना, उन्होंने फ़ौरन कहना था ले जाओ बेटा। लेकिन मेरे मैं बहुत अच्छे, मैंने 8 महीने छतरा घर तैयार किया था, मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ा छतरा है कुर्बानी का, वो मैंने कुर्बानी के लिए तैयार किया हुआ था, अब मैं इसको वापस ले के आगे क्या करता? तो रही बात दुनिया की, फिर बातें भी करने वाले होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भाई मेरे बातें कर रहे हैं उनको गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन वजह ये थी कि अदील भट्ट साहब ने जो बकरा सेल किया है ना, वो जो मोहब्बत भरा पैगाम बकरे ने मोहब्बत अपनी दिखाई है, वो भट्ट साहब मंडी में जाके पता चला कितनी मोहब्बत बकरे की? मंडी में भी नहीं पता चला, मैं तो सड़क पे लेके सारी रात खड़ा रहा हूँ, जब कहता था बैठ जाओ बैठ जाता था, साथ थोड़ा सा ना हाथ से इशारा करता था, कान खींचता था, यानी कि यह हाथ फेरता उसे, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ पे चल रहा है वो। तो जब मैंने उसे सेल किया, उसके मैंने कान में कहा कि यार देखो मैंने आपके पैसे नहीं लेने थे, लेकिन देखो मैं भी मजबूर हूँ,
तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। जब मैंने ऐसे कहा बकरे को, बकरा साथ ही निढल हो गया। कई लोग रोना शुरू कर दे, कई लोग कह रहे हैं कि वो गर्मी लग रही है इसे ये। मैं कह रहा हूँ कि 4 बजे से लेके सुबह तक गर्मी नहीं उसे लगी। जब मैंने उसके कान में कुछ कहना था तभी उसे गर्मी लगनी थी। देखिए एक बड़ी बात है कि जब बकरा उतर रहा है अपना गाड़ी से उतर रहा है तब भी गर्मी नहीं लगी, सुबह से शाम तक खड़े रहे गर्मी नहीं लगी। जब बकरा बिका उसके कान में जब ये लफाज गया कि मुझे खुदारा माफ़ कर दो मैंने आपको सेल कर दिया, उसने साथ ही रोना शुरू कर दिया। तो मतलब वो रो रहा था, गर्मी वाला मामला नहीं था। अच्छा बट साहब को ये अब देखें, इतनी मोहब्बत है बच्चों को भी थी, लेकिन बकरे को बेचने की वजह पेश आई कि आपके पास छतरा था। छतरे की भी ऐसी फीलिंग थी आपकी? छतरे के साथ मेरी ऐसी फीलिंग नहीं है, लेकिन ये जो मेरा बेटा ना दानिश, आपको मैं वीडियो देता हूँ, जब मैं कुर्बानी करने लगा हूँ ये बहुत रोया कि मैंने नहीं कुर्बानी करना। मैंने कहा देखो बकरा भी सेल कर दिया, अब इसको भी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर कुर्बानी तो बेटा करनी है। इसकी मैं अभी आपको वीडियो देता हूँ, ये रो रहा है छतरे पे, इसको इसका लगाव छतरे पे था। क्या कह रहे हैं पापा, छतरे के लिए क्या फीलिंग थी जब कुर्बानी? दुख हो रहा था। रोए हो, बताओ ना किसका दुख था, सही बताओ, छतरे का या उस बकरे का? छतरे का दुख था। बेसिकली बच्चों ने घर में उसको, बच्चों ने बड़ा फेस किया उस बकरे को, उसका मोहब्बत जो कि मंडी में पता चली कि ये बकरा इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन छतरा जो 24 घंटे घर पे रहता है उसकी मोहब्बत हो रहा है। जब जिबा किया है तो रोना शुरू कर दिया आपने? जी। अभी नो वीडियो भी आप दे सकते हैं, मुलाजा कर सकते हैं किस तरह वो बच्चे रो रहे हैं। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं, अब बकरा तो हो गया सेल, सारे मामला तो हो गए, अब कोई ऐसा बकरा उसकी जगह ले सकता है पूरी जिंदगी? जगह लेगा, लेकिन जो बकरा ये मेरी बातें समझता था ना, मेरे ख्याल से दोबारा बकरा नहीं आएगा यार। इतनी एज हो गई है, मैं अपने दोस्तों के बकरे देखता हूँ, पूरी दुनिया के देखता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती। नाज़रीन फीलिंग जो है ना, मेरा ख्याल है कि फीलिंग का तल्लुक रूह से होता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा बट साहब को लास्ट में पैगाम देना चाहें अपनी उस मोहब्बत भरी पैगाम को जिन्होंने आपको सपोर्ट की, इतनी वीडियोस वायरल हुई आपको सपोर्ट की और कमेंट्स भी अच्छे किए, उन लोगों को कुछ कहना चाहें? और वो लोग जो कहते हैं बकरा बट साहब ने पैसों की खातर भेज दिया है, फीलिंग की होता तो ना भेजते उनको भी? लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी वो जिन्होंने बातें की हैं वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन गलत फहमी होती है, उनको मैं गलत नहीं कहूँगा। हाँ जी, उनको मैं गलत नहीं कहूँगा, जितनी किसी को समझ आए उतना ही बात करनी। अब देखें मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो रही है, ठीक है ना, वो खुद ही समझ जाएंगे सच है। देखें जो सगियां पुल पे बकरे के साथ जो हुआ, तकरीबन मौके पे 50 लोग थे, अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो भी मुझे सुन रहे हैं। जब 50 लोग दुनिया लोगों को बताना शुरू करेंगे तो सच खुद ही फैल जाएगा, सच सच ही होता है, ये कोई ऐसी बात ऐसे ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये हलाल काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपकी जेब के हालात जो है ना, वो आपकी जेब के हालात आप देखें, उसके बाद आप दो जानवर घर में रखें, फिर भी आप अपनी जेब के हालात देखें, अच्छे होंगे बुरे नहीं होंगे, खर्चा जितना मर्जी हो, ये दुआ करते हैं, मुझे उसके जाने के बाद पता चला है, ये वक्त के ही खाने आप खिलाते हो, आप इनकी खिदमत करते हो, ये आपके लिए वक्त की दुआ करते हैं, उसके जाने के बाद बहुत कुछ मुझे मिला है। अकेले बैठता हूँ सारा कुछ सोचता हूँ कि उसके साथ मैं ये गिले कर, मैं जब उसके साथ गिला शिवा करता ना, आप सेल नहीं हो रहे, मैं बहुत तंग हूँ, ये है वो है, ऐसे बातें करता था, उसके बाद मुझे दूसरे दिन ज़्यादा रिजक मिलता था, अब मुझे सारी बातें आती, वो दुआ करता होगा अल्लाह के, हाँ के याला पाक इसका ध्यान रिजक की तरफ कर दे, मेरे से हट जाए। अब मैं बैठता हूँ अकेले, मुझे बड़ी बातें याद आती हैं, ये वक्त की दुआ करते हैं, इनकी सेवा खिदमत करनी चाहिए। मुझे एक सूफी हजरात ने बताया था कि इनके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए कभी भी, लेकिन मैं पहले मारता था, उसके बाद 6 महीने से मुझे इससे पहले पता चला था, उससे पहले मैंने थप्पड़ मारे होंगे काफ़ी, उसके बाद जानवर के मुँह पर मैंने थप्पड़ नहीं मारा, उससे मुझे मारा था, बताया था कि इनके मुँह पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो देखिए अब आपने मोहब्बत भरा पैगाम वाम को दे दिया है कि जानवर को किस तरह रखना है, मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, आपको एक सूफी हज़रात ने गाइड किया और आप समझ गए। आपने अपनी लाइफ में 8 लाख का बकरा सेल किया था इससे पहले? नहीं, 8 बकरे तो 12-12 लाख के सेल होते हैं, उनको छोड़ो यार, 15 लाख का, 20 लाख का बकरा सेल होता है, 30 लाख का भी बकरा सेल होता है, बच्चा सेल होता है 30-30 लाख का, लेकिन ये जो बकरा था ना, जो इसका माइंड था, मोहब्बत भरा पैगाम दे गए, हाँ ये मुश्किल ही है। ये पाकिस्तान में आपने पहले कभी देखा है? नहीं देखा। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों में 5-5 घंटे 4-4 घंटे रात को गप्पे लड़ानी है, उससे ज्यादा मजेदार काम ये है। अच्छा जानवर पालो जो दुआ दे, इसके साथ इसको तैयार करो, इसके साथ बातें करो, मैं गारंटी से आप कहता हूँ कि आपकी बातें समझेगा हर जानवर।
नाज़रीन आपने जाना व्हाट्सअप की बच्चे और फैमिली में हादसा मौजूद थी, बच्चों का क्या इजहार मोहब्बत था, बच्चे अभी तक गमगीन आप दे सकते हैं। और स्पेशल उनको छतरे का भी बड़ा गम है, स्पेशल दानिश को, क्योंकि देखें घर को फेस करते थे। मंडी में रहा हूँ ना दो महीने इसने छतरा संभाला, इसलिए इसने छतरे का, लेकिन जब बकरे की वीडियो अभी देखता अभी रोते हैं। देखें अगर पापा दो माह ज़्यादा मंडी में रहे हैं तो छोटे बच्चे ने उस बच्चे की देखभाल की, उसको पाला पोसा, बड़ी बात है। ज़ाहिर है जब करेंगे तो दुख तो होगा, लेकिन जब वीडियो देखते हैं उसका भी दुख होता है, दोनों का दुख है। और ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि जानवर से इतनी मोहब्बत, बहुत बड़ी बात है। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें और इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को जाए दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुंदर कानों को मेरा सलाम।